हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ब्राउज़र की स्पीड कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के जितने भी एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं उनको डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गूगल क्रोम पे लिखना पड़ेगा स्पीडोमीटर 2.0। जब वो आएगा तो उसमें देखिए स्पीडोमीटर 2.0 ब्राउज बेंच डॉट ऑर्ग आएगा, जिसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, अब आपको ये स्पीडोमीटर के बारे में बता रहा है। स्पीडोमीटर इज अ ब्राउजर बेंचमार्क दैट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इट यूजेस डेमो वेब एप्लीकेशन टू सिमुलेट यूजर एक्शन, यूजर के क्या क्या एक्शन है उसको वो मेजर करता है, और कितने फ्रेम पर मिनट वो रन करता है ये बताएगा। तो चलिए स्पीडोमीटर 2.0 पर चलते हैं। स्पीडोमीटर इज अ ब्राउजर बेंचमार्क दैट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इट यूजेस डेमो वेब एप्लीकेशन टू सिमुलेट यूजर एक्शन सच एज एडिंग टू डू आइटम। क्या क्या आप कर रहेंगे उसके बारे में वो टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं। और हमारा क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र है जो यूट्यूब पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो आज वो बता देगा कि हमारे कंप्यूटर में उसकी क्या स्पीड है। लेकिन इसके लिए बहुत से फ्रेमवर्क यूज़ करता है, जैसे जिसमें से अंबर जे एस है, रिएक्ट है, एंगुलर जे एस है। ये देखिए धीरे धीरे सब आ रहा है, टू डू एम वी सी में सारा कुछ वो दिखा रहा है। जे क्यूरी आया, इन्फर्नो, ई एल एम, फ्लाइट, वेनेला ई एस 20, रिएक्ट रिडक्स, एम्बर जे एस। देखिए इतने सारे फ्रेम्स वो आ रहे हैं, और ये देखिए 480 फ्रेम्स इसमें दे रखे हैं। एम्बर जे एस, बैकबोन, एंगुलर जे एस, देखिए सबको चेक कर रहा है वो। अब ये जब 480 टाइम्स चेक कर लेगा तब आपको उसकी स्पीड बता देगा कि आपके कंप्यूटर की क्या स्पीड है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लाइट देखिए आ गया, वेनेला, रिएक्ट, ये बार बार देखिए सारे फ्रेम्स ले रहा और उसकी स्पीड को मेज़र कर रहा। और नीचे देखिए यहाँ पे ये स्पीड बार चल रहा है, जो जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तब आपका ये टेस्ट जो है फिनिश हो जाएगा, और वो बता देगा कि कितने पर मिनट वो रन कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और इस तरह से आप कई ब्राउज़र को चेक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ब्राउज़र अच्छा चल रहा है जिसकी स्पीड अच्छी हो। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे आपको क्रोम की ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम क्रोम ही चेक कर रहे हैं कि हमारी स्पीड क्या है ये पता लग पाए। ये देखिए एम्बर जे एस डीबग टू डू एम वी सी, ये बार बार वो डिफरेंट फ्रेम को लेकर के स्पीड को चेक कर रहा है, और आपको थोड़ी देर में कंप्यूटर की स्पीड को बता देगा। क्योंकि हम क्रोम ही यूज़ करते हैं और यूट्यूब पे हमें उसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसी को चेक कर रहे हैं। आपके पास जो ब्राउज़र हो उसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ये बोलता है कि ओपेरा जो है उसकी स्पीड क्रोम ब्राउज़र से भी अच्छी है, लेकिन आप उसको चेक करके देखिएगा कि आपके उसमें किस ब्राउज़र की स्पीड आपके कंप्यूटर के हिसाब से अच्छी है। उस ब्राउज़र को आप यूज़ करिए और काम के लिए। क्रोम तो आपको यूट्यूब पे यूज़ ही करना पड़ेगा। सो देखिए फ्लाइट फ्रेमवर्क आया, और ये वेनेला बार बार घूम घूम के वो डिफरेंट फ्रेमवर्क को लेकर टेस्टिंग कर रहा। जब तक आपका ये बार यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो टेस्ट करता रहेगा। अभी तो आधा दूरी पहुँचा है, 260, 259, 263, 266 पे पहुँचा है, और इसको थोड़ा सी समय लग सकता, हो सकता है एक मिनट लग जाए, दो मिनट लग जाए। वैसे 30 to 50 सेकेंड्स लेता है, और
इसकी रन रेट जो होती है प्लस 3 से माइनस 3 तक वैरी करती है। अब इसको देखते हैं कि ये कितना फ्रेम रन कर रहा है, डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर और ब्राउज़र टू ब्राउज़र। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टू डू लिस्ट चल रहा है, टू डू एमवीसी चल रहा है और इसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क आपके कंप्यूटर की स्पीड को चेक कर रहे हैं। सारी ही नए फ्रेमवर्क रिएक्ट, अंबर, ये सारे जेएस, अंबर जेएस, बैकबोन, एंगुलर, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं और जिससे आपके जेक्यूरी, लेकिन नीचे बार में आ रहा है सब, हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। इसे ELM, टू डू MVC, फ्लाइट वेनिला, JS वेनिला, ES2015, रिएक्ट रिडक्स, अंबर JS, टू डू MVC, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। बैकबोन, एंगुलर JS, VUE JS, अब इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है वो, इसके मतलब स्पीड उतनी बहुत अच्छी नहीं है मेरे कंप्यूटर की, तो उसके लिए सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अभी 443 पे पहुंचा है, अभी 480 तक जाना है उसको, देखिए थोड़ा सी बचा, अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जितना अच्छा इंटरनेट स्पीड होगी और जितनी अच्छा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे ये आपको रन पर मिनट दे देगा। अभी 466 पे पहुंचा, बस थोड़ा सी बचा है, हो गया। अब ये देखिए 15.6 दे रहा है। टेस्ट अगेन करेंगे, लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करिएगा बार बार तो ये देखिए 0 से 140 तक रन्स पर मिनट आएगा, तो मेरा बहुत ही कम आ रहा है और 0.18 प्लस माइनस आ रहा है। टेस्ट अगेन करेंगे तो फिर देगा, तो अभी तो हम टेस्ट नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटरेशन में 15 फ्रेम पर सेकेंड आया है, इसके पहले हमने जो टेस्ट किया था उसमें 32 आ रहा था। तो हर बार ये टेस्टिंग में अर्थमेटिक मीन आपका 1.2% आ रहा है, हर बार अलग आएगा। और उसकी समरी जब आप लीजिएगा तो ये 15.6 आ रहा है। डिटेल में देखिए आपका फ्रेम दिखा रहा है कि इसमें 10 इंटरेशन होते हैं जिसका एवरेज जो है 15.6 आ रहा है, दैट मीन्स कि बहुत ही कम स्पीड है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। इसमें देखिए स्पीडोमीटर के भी बारे में बताया जिसको खोल के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस तरह से अपने ब्राउज़र की स्पीड को चेक कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कई ब्राउज़र अगर डाले हुए हैं तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। हमने केवल एक ही डाल रखा है इसलिए हम क्रोम को चेक कर रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे हमारा यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर्स। कल हम आपको क्रोम के फ्लैग्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ही आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर देंगे कंप्यूटर पे, जो इसमें स्पीड इतनी कम आ रही है 1.2% आ रही है, उसको करने के बाद देखेंगे कि कैसे स्पीड बढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, join my telegram channel TechRatan, go to the community and answer on polls and comment on video and tell me how I am doing and which topic you want next. Thank you.